everyone, welcome back to my channel. My name is Prajakta and today I am going to show you how I cut my hair at home. So I prefer doing it at my home. I do not go to any of the salon. Today I will be showing you all what do I do with my hair when I want to cut it or trim it. Generally I give the shape of U, so I do not prefer it cutting step cut or any of the other cut. मैं उसको ट्रिमिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. सो आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे कट करने वाली हूँ. माई हेयर नाउ दे हैव ग्रोन क्वाइट लॉन्ग, सो इसको अभी कट करने की ज़रूरत है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम. सो हियर आई गो. सो सबसे पहले हम बालों को कॉम कर लेंगे. आपको भी यही करना है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉमिंग योर हेयर सो दैट एकदम स्ट्रेट हो जाए आपके बाल. नाउ हियर आई विल स्टार्ट कॉमिंग माई हेयर. अ स्मॉल ट्रिक विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल वाइल कॉमिंग योर हेयर, अगर आपके बाल लंबे हैं या आपके बाल छोटे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा नॉट्स गिरते हैं बालों में, सो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट कॉमिंग योर हेयर फ्रॉम बॉटम. सो नीचे से यू हैव टू जस्ट एंटैंगल योर हेयर एंड देन गो ऑन द टॉप साइड. हर एक साइड से कॉम करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बालों के सेक्शंस बनाने हैं. अभी मैं मिडिल पार्टीशन करके अपने सेक्शंस बनाऊंगी, दो सेक्शंस, या फिर आप छोटे छोटे सेक्शंस भी बना सकते हैं. एंड टू मेक इट मोर स्ट्रेट आपको स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ करनी है. नाउ यू कैन सी माय हेयर इज ऑलरेडी स्ट्रेट बट स्टिल आई यूज स्ट्रेटनिंग मशीन, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है आप हेयर वॉश करते हो और एक दिन बाद अगर आप घर पे ही हो स्टिल योर हेयर आर क्लीन एंड यू थिंक ऑफ कटिंग इट ट्रिमिंग इट, सो क्या हो जाता है कि थोड़ा आप जब भी क्लच लगाते हो तभी वेवीनेस आ जाता है. सो वी डोंट वॉन्ट दैट. सो फॉर दैट वॉट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू जस्ट स्ट्रेटन इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटनर. अगर आपके पास नहीं है स्ट्रेटनर तो आप क्या कर सकते हो, वॉश करके, आइडियली आपको वॉश करके स्ट्रेट अवे कट करने लेना है ये जो प्रोसेस है. नाउ यू कैन सी माई हेयर आर नॉट डैम, मॉइस्चर नहीं है उसमें, तो मैं इसलिए उसके ऊपर वाटर स्प्रे कर रही हूँ. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप वॉज कॉमिंग योर हेयर. सेकेंड यू डिड इज स्ट्रेटनिंग योर हेयर सो दैट सी यू कैन सी कि थोड़ा भी वेवीनेस अभी बालों में नहीं है. ऑल ऑफ द हेयर कैन बी लेवलिंग अप डाउन, तो मुझे कट करने में ईजी हो जाएगा. एंड द थर्ड वन इज वॉट, स्प्रेइंग वाटर ऑन योर हेयर. सो यहाँ पर मैंने वाटर स्प्रे कर लिया है और अच्छे से मैंने मिडिल पार्टीशन भी कर लिया है. द नेक्स्ट स्टेप इज टेक द रबर बैंड्स एंड टाई योर हेयर लाइक दिस. सो मैंने यहाँ पे पहला रबर बैंड लिया, टूवर्ड्स द नेक टाई कर लिया है और एक रबर बैंड लेके नीचे आप टाई कर सकते हो. एंड नाउ आई एम यूज टू इट सो आई विल नॉट बी टाइंग वन मोर रबर बैंड. आप अगर आपको लगेगा कि नो आई नीड वन मोर रबर बैंड फॉर एन असिस्टेंस, सो आप कर सकते हो एक और रबर बैंड लगा के आप फिर ऐसे होल्ड करके आप कट कर सकते हो. नाउ यू कैन सी मैंने फिंगर्स के नीचे कट किया है. सो लेंथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जस्ट कीप इन माइंड लेस इज मोर. हमको कभी भी ज़्यादा कट नहीं करना है. इनिशियली आप कम कट करिए और फिर उसके बाद आप कर सकते हो. अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और थोड़ा कट करना है तो आप और कट कर सकते हो. सो मैंने फिंगर्स के नीचे से कट कर लिए थे. नाउ दिस वॉज डन. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस विल बी योर फाइनल स्टेप. तो यहाँ पे मैं बैंग्स कट कर रही हूँ आगे से, तो वो एक अच्छा लुक आ जाता है. इफ़ यू आर ट्रिमिंग योर हेयर्स फ्रॉम बिहाइंड एंड यू आर ओके विथ इट, तो आपको बस उतना करके छोड़ देना है, यू आर डन विथ इट. बट इफ़ यू वांट बैंग्स तो आपको ये प्रोसेस भी करना है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है. टेक द पार्टीशन ऑफ योर हेयर फ्रॉम योर क्राउन एरिया. तो यहाँ पे मैंने जो पार्टीशन लिया आप देख सकते हो एकदम थोड़े बाल लिए हैं,
इफ़ यू वॉन्ट मोर यू कैन टेक मोर ऑल्सो. अच्छे से पार्टीशन लेके सेम स्टेप आपको रिपीट करना है, द सेकेंड वन, दैट इज स्ट्रेटनिंग इट एंड देन स्प्रेइंग वाटर ऑन योर हेयर. तो जैसे आप वाटर स्प्रे करोगे आपको एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट आपको दिखेगा कि क्या करना है. नाउ यू कैन कट ऑन योर नोज लेवल, लिप लेवल एंड चीक लेवल या फिर चिन लेवल. सो आपको डिसाइड करना है कहाँ से. आपने अभी देखा होगा कि मैंने फिंगर्स के अबाव से कट किया, फिंगर्स के ऊपर कट किया है. और मैं पहले जब भी लेंथ कट कर रही थी मैंने फिंगर्स के बिलो कट किया था क्योंकि वो ज़्यादा लेंथ मुझे नहीं करना था. सो मैंने ये बाल अभी जो बैंग्स कट किए हैं नोज लेवल पे कट किए हैं. आपको अगर चिन लेवल पे करना है, लिप्स लेवल पे करना है, और यू कैन ऑल्सो डू टू योर आईब्रोज का मिडल सेक्शन लेवल जहाँ पे आप बिंदी पहनते हो वहाँ तक भी कट सकते हो. आई होप यू विल यूज़ दिस ट्रिक्स फॉर कटिंग और ट्रिमिंग योर हेयर एट होम एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट. सो दिस वॉज माई फाइनल लुक आफ्टर ट्रिमिंग माई हेयर एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद इट. आई होप यू ऑल एन्जॉयड. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय एवरी वन.